चूरू में भी सालासर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक को यहाँ पर पकड़ा गया है। विभिन्न अंग्रेजी ब्रांड के 1130 कार्टन बरामद किए गए हैं। 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। पंजाब से बाड़मेर ला जा रही थी ये शराब। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव के दौरान अवैध और नकली शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में श्री ओम प्रकाश गोदारा पुलिस निरीक्षक POEPF सुजानगढ़ व सालासर SHO डॉक्टर महेंद्र के नेतृत्व में राजेसर मीठा गांव जो पुलिस थाना सालासर के अंतर्गत पड़ता है में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें करीब 18,000 पौए और 50 लीटर के जरीकन जिनमें स्प्रिट भरी हुई, एक खाली ड्रम और मशीन और हरियाणा निर्मित शराब जो कि पौओं में भरी जा रही थी